हैप्पी होली गाइज। अपनी होली से एक तरीके से मनाना, ज़्यादा पानी वेस्ट मत करना और बिल्कुल अच्छे से अपनी होली सेलिब्रेट करना। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होली हैक्स, बिकॉज होली आ चुकी है और जैसे कि होली के रंगों का त्यौहार है तो इसमें हम कितने ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं, फेस ख़राब हो जाता है। तो ऐसी होली हमें नहीं मनानी है कि हमारा फेस खराब हो जाए, हमारी हेल्थ खराब हो जाए या फिर हमारे नेल्स खराब हो जाए, हमारे हेयर खराब हो जाए, तो इस तरह की होली हमें नहीं मनानी है। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आज होली हैक्स। आई रियली होप कि ये हैक्स आपके इस होली काफी ज्यादा काम आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हेल्पफुल रहे तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि इस होली इन हैक्स को वो भी देख पाए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वन है, अपने पास एक रबर बैंड रखना, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें फोटो क्लिक करानी है, हेयर अपने ओपन कर लेना। लेकिन जहां पर आपको लगे कि नहीं भाई अब हमारे बाल खराब हो सकते हैं, तो इस तरह से पोनीटेल बना सकते हैं, बन बना सकते हैं। छोटे हेयर है मेरी तरह तो आप इस तरह से पोनीटेल बना सकते हैं, लॉन्ग हेयर है तो आप ट्विस्ट करके बन बना सकते हैं। सबसे पहली चीज है अपने बालों को अच्छे से केयर करके रखिए, और बालों में उस टाइप आप हल्की हल्की ऑयलिंग करो तो ज्यादा बेटर है, जिससे कलर आपकी रूट्स तक नहीं जा पाएगा। रूट्स तक नहीं जाएगा तो हेयर डैमेज होने की तो बात ही नहीं आती। हैक नंबर टू है इयररिंग्स। आपने जिस भी तरह के पहन रखे हो, चाहे गोल्ड के पहन रखे हो, चाहे आर्टिफिशियल पहन रखे हो, उन्हें उतार के रखते बस ऐसे टाइम पे कोई पानी डाल रहा है और आपके कान से हल्का सा भी खिंच जाए तो बहुत ज्यादा पेन होगा और खराब भी हो सकते हैं ईयर। इयररिंग्स को उतार के रखे जाइए, क्योंकि ये गोल्ड के हुए तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। थर्ड हैक है होली में आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो गाइस जैसे मैंने भी कॉटन के कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह के आपको कॉटन क्लॉथ पहनने हैं। सिल्क जोलजा डडन फड़ंग ये सब आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, कॉटन क्लॉथ में आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहोगे। इस तरह के आपको कॉटन क्लॉथ पहनने हैं तो इससे आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी, जैसे भीग भीग के हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है तो वो नहीं होगी और आपकी स्किन पे किसी तरह के रैशेज नहीं आएंगे। हैक नंबर फोर है अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, बिकॉज आप धूप में होली जम के खेलने वाले हो तो आपको टैनिंग हो सकती है, बिकॉज बाल तो धूप होगी। ये तो होगा नहीं कि आप घर में पानी से कलर से खेल रहे हो, जैसे पेंट रूम सब खराब हो जाए, टीवी वीवी। तो गाइस आप भारी खेलोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मलाई हम सबके घर में होती है, आपको मलाई लेनी है, अपने फेस पे अच्छे से मसाज करनी है 5 मिनट्स तक। इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर ले, बिकॉज थोड़ा सा चिकनापन आ जाता है जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, कोई भी कलर लगाएगा वो आपकी स्किन पे लगी नहीं पाएगा। जैसे ही बाद में आके आप फेस वॉश करोगे उतर जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको जरूरी है मसाज करने के बाद पानी से वॉश करना है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करनी है सनस्क्रीन। आपके पास जिस भी ब्रांड की हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से अपने स्किन पे, नेक पे, ईयर पे, हर जगह अच्छे से अप्लाई करनी है। जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारे सीधा डायरेक्ट टैनिंग हो सकती है तो उस चीज को आपको सनस्क्रीन की हेल्प से हाइड करना है ना, ये काम की चीज। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हैक नंबर फाइव है, फोर्थ में तो हो गई हमारी स्किन केयर की बात की, इससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। लेकिन फिर अब बात आती है हमारी बॉडी पे जो कलर लग जाता है उससे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारी स्किन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोकोनट ऑयल होगा, कैस्टर ऑयल होगा। कैस्टर ऑयल काफी ज्यादा थिक होता है, कोकोनट काफी ज्यादा थिन होता है, लाइक पतला होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच लेना है कोकोनट ऑयल एंड उसमें 1 चम्मच आपको कैस्टर ऑयल मिक्स करना है। देन उसके बाद उसे अपने हाथ पैरों पर अच्छे से मसाज कर ले, लाइक जिस तरह से ऑयल अप्लाई करते हैं उस तरह से अप्लाई कर ले और बाहर चले जाए होली खेलने के लिए। और जब के होली के लिए याद रखिए आपको किस जगह उसे अप्लाई नहीं करना है, लाइक आपने फुटवेयर में कुछ भी पहन रखा हो तो उसे पैरों पे ऑयल को अप्लाई मत करना, बिकॉज पानी से आप खेलोगे आप स्लिप हो सकते हो। तो ध्यान रखना, पैरों पे आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, पैरों पे कुछ भी आप इस तरह की चीज अप्लाई मत करना, बिकॉज उससे पैर स्लिप हो सकता है। सो हैक नंबर 6 में अब बारी आती है नेल्स की, कि हमारे नेल्स पे कलर लग जाता है तो वो हफ्ते हफ्ते बीत जाते हैं होली के बाद। लाइक होली में तो हम मजे से खेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कलर रह जाता है नेल्स पे से नहीं जाता, उससे हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लाइक बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं कि यार ये जा क्यों नहीं रहा। तो गाइज यहाँ पर मेरे नेल्स छोटे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके छोटे नेल्स हो लॉन्ग नेल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई भी डार्कर कलर की आपको अच्छे से नेल पेंट अप्लाई करनी है, जिससे जो कलर होगा वो आपके नेल्स तक नहीं जाएगा,
जाएगा। जब आप थिनर की हेल्प से नेल पेंट रिमूव करोगे तो आपको नेल्स बिल्कुल नेचुरली जैसे आपके हैं वैसे ही मिलेंगे। और अब बारी आती है आपके नेल के बैक साइड भी कलर घुस जाता है, उसको कैसे निकालो? गाइस उसके लिए एक सिंपल सा है कि आपके पास वैसलीन हो तो आप उसे कुछ इस तरह से ऐसे अप्लाई कर, वैसलीन की हेल्प से वो आपकी स्किन से इजिली निकल जाएगा। जैसे ही आप बात लोगे वैसे ही वो कलर यूं छूमंतर हो जाएगा। और अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप उसकी जगह कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, उसे भी वो रिमूव हो जाएगा। सो गाइस ये थे मेरे होली स्पेशल हैक्स। आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनके पास भी ये होली हैक वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी बच जाए होली के ऐसे कलर से। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और एक बार और हैप्पी होली गाइस। सो बाय, लव यू।